हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंडोर चलने वाला एक गुड़हल का पौधा शेयर करूंगी, यानी हिबिस्कस की वो वेराइटी जो कि आप इंडोर लगा सकते हैं ऐसी जगह जहां के छन छन के धूप आती हो, सीधी धूप की ज़रूरत नहीं होगी इस पौधे को। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा पौधा है जिसे हम इजीली अपने बालकनी में लगा सकते हैं, ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां की सूरज की सीधी धूप नहीं पड़ती है, और जो धूप वाला इशू होता है जिसके कारण हम गुड़हल के पौधे को ही लगा सकते हैं। तो आप 100% इस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इसे अपने शेड में ही लगा के रखा है। तो फ्रेंड्स, वो पौधा है ये लैंटन हिबिस्कस। ये पौधा फ्रेंड्स हिबिस्कस की ही एक वेराइटी है, जो कि इसके फूल आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मैंने इस पौधे को आई थिंक नवम्बर में लगाया था, और तब से मेरे पास ये पौधा है, और तब से रेगुलर बेसिस पे मेरे इसमें फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है, बर्ड्स आ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। तो ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा है जिसे कि हम इंडोर लगा सकते हैं अपने शेड के नीचे। आप देखेंगे मैंने खुद अपने शेड के नीचे ही इस पौधे को लगा के रखा है। और यहाँ पे बस फ्रेंड्स, इस टाइम जो आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग का 6 o'clock हो रहा है, और इस टाइम इसमें ये जरा सी देर छन के धूप आती है, फिर उसके बाद यहाँ से धूप चली जाती है और उसमें धूप नहीं पड़ती है। और बहुत अच्छी तरीके से मेरा ये पौधा सर्वाइव कर रहा है। डायरेक्ट धूप मेरे इस प्लांट में नहीं पड़ती है, पूरे दिन में किसी भी टाइम मेरे इस प्लांट में डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है। जो थोड़ी बहुत धूप आ रही है ये छन के आती है और पौधों के बीच से, तो इतने में ही मेरे इसमें रेगुलर फ्लावरिंग हो रही है। आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। डेली बेसिस पे इस पर फूल खिलते हैं, सूखते हैं, और ढेर सारी कलियाँ भी आप देख सकते हैं इसमें बनी हुई है, कोई कमी नहीं है फूलों में। ये पौधा फ्रेंड्स आपके बालकनी के लिए सबसे बेस्ट है, तो ज़रूर ही इस पौधे को लगाइए। इस बीच मैंने जब से ये पौधा लगा रखा है इस प्लांट में, मैंने ना ही तो पेस्ट का अटैक पाया है, ना ही मुझे इस प्लांट के पीछे ज़्यादा कोई एफर्ट डालना पड़ा है। बहुत ही इजीली ये मेरा पौधा चल रहा है। जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था तभी मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला था, ड्राई कंपोस्ट, उसके बाद मैंने इसमें ड्राई कंपोस्ट भी नहीं डाला था, और अभी तक मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो आप इस पौधे को ज़रूर ही लगाइए। अगर आपको कहीं दिखे ये पौधे, नर्सरी में मिले, तो आप इस हिबिस्कस के पौधे को, यानी ये लैंटन हिबिस्कस को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हाइब्रिड वाले जो हिबिस्कस होते हैं उन्हें भी हम इंडोर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ देर की धूप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो पौधा है लैंटन हिबिस्कस, मैंने पाया है इस पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जहाँ इसे धूप लगती है थोड़ी बहुत भी, तो वहाँ से इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती है। तो इसे आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, और इस तरीके से खूबसूरत फूल आप अपने बालकनी में भी ले सकते हैं जहाँ धूप नहीं आती है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा देन एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि इस तरीके के वीडियोज़ जब भी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।